फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिम और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। हम लोग चैप्टर का पूरा ओवरव्यू लेने वाले हैं इस वीडियो में और हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते रहेंगे। इसके डिटेल वर्जन्स, आपको डिटेल वीडियोस हर एक टॉपिक की अलग अलग बना दी गई है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो एक जनरल बात करेंगे, होल चैप्टर को समझेंगे कि हम लोगों को असल में ये चैप्टर पढ़ना कैसे कैसे है, कौन कौन से मेन टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होते हैं और जो जनरल चीजें हैं और उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी बात हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको हेडिंग्स लिखी हुई हैं। तो हेडिंग्स में जो पहली हेडिंग है, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जो जानकारी है, तो पहली हेडिंग है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, पार्टुलेशन और लैक्टेशन की बात यहीं पे करेंगे। तो चलिए पहली हेडिंग को शुरू कर लेते हैं यहाँ पे कि ये क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे पहले बात होती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो कौन कौन सी चीजें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। इसमें दो टेस्टिस होते हैं, एक पेयर, यानी वन पेयर ऑफ टेस्टिस वन पेयर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स आती हैं, यानी एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं। इसके अलावा यहां एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब पेनिस। एसेसरी ग्लैंड्स में हमारी कई तरीके की ग्लैंड्स आती हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेस्टिसेस की। ये टेस्टिस कहां होते हैं? मेल्स में ये टेस्टिस होते हैं इनके एब्डोमिनल रीजन में, लोअर एब्डोमिनल रीजन में, और लोअर एब्डोमिनल रीजन के भी बाहर आउटसाइड द बॉडी होते हैं। लोअर एब्डोमिनल रीजन में आउटसाइड द बॉडी होते हैं, एक पाउच में होते हैं, उस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें दो टेस्टिस होते हैं और ये स्क्रोटम बेसिकली टेस्टिसेस। क्वेश्चन ये आता है कि टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी क्यों होते हैं, यानी बॉडी के बाहर क्यों होते हैं टेस्टिस? तो बॉडी के बाहर टेस्टिस इसलिए होते हैं क्योंकि स्क्रोटम इन्हें एक टेम्परेचर देता है जो कि 2-3 degrees centigrade कम होता है बॉडी टेम्परेचर से। यानी अगर हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हम माने कि 37 degrees centigrade है, तो उससे 2-3 degrees centigrade लेस देन दैट 37 degrees centigrade टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द पर्पस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इस टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए ये टेस्टिसेस आउटसाइड द बॉडी होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये टेस्टिस इस बॉडी में, हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी के बाहर ही डेवलप होते हैं? यानी अगर एम्ब्रियो की बात करी जाए, यानी प्रेगनेंसी के बाद जो एम्ब्रियो बन रहा है, उस एम्ब्रियो में क्या ये मेल्स में टेस्टिसेस आउटसाइड द बॉडी डेवलप हो रहे हैं, या ये पहले इनसाइड होते हैं और फिर ये आउटसाइड द बॉडी जाते हैं? तो ये मेल्स में इनसाइड द बॉडी डेवलप होते हैं और ये आउटसाइड द बॉडी 7th week में इन्हें डिसेंड कर दिया जाता है स्क्रोटम में, यानी कि बॉडी के अंदर तो बनते हैं लेकिन 7th week में, प्रेगनेंसी के 9 month की प्रेगनेंसी पीरियड होता है, तो ये जो 9 month का डेवलपमेंट पीरियड है, इस पीरियड में 7th month में ये डिसेंड कर दिए जाते हैं स्क्रोटम में। टेस्टिसेस कहां जाते हैं? स्क्रोटम में। टेस्टिसेस का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? तो अभी जैसे कि आपने बात करी है स्पर्म फॉर्मेशन, यानी टेस्टिस जो है वो मेन, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल्स के ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और इनका फंक्शन क्या होता है? ये दो चीजें बनाते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, ये फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं। बाकी जो टेस्टिसेस हैं मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी, ये आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये गैमेट बनाते हैं, एक तो ये क्या बनाते हैं? गैमेट बनाते हैं, और दूसरा ये उससे हॉर्मोन्स भी बनाते हैं कुछ। तो मेल्स
मेल्स में जो हॉर्मोन्स बना रहे हैं, जो टेस्टिस से हॉर्मोन निकल रहा है, वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये एक स्टेरॉइडल हॉर्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये बेसिकली किसमें बन रहा है, टेस्टिस में बन रहा है। और गैमिट्स, मेल में जो गैमिट बनते हैं वो है हमारा स्पर्म। और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ही 2-3 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए होता है, जो हमारे टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी गेन कर लेते हैं। इसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं। तीन मेन ग्लैंड्स हैं, एक तो होती है सेमिनल वेसिकल्स, दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी होती है आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये तीन एसेसरी ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा जो डक्ट्स आती हैं, जैसे वास डिफरेंस हो गई, इजेकुलेटरी डक्ट हो गई, यूरेथ्रा हो गया, ये आपकी कुछ डक्ट्स हैं जो आपके टेस्टिस से स्पर्म को कंडक्ट करेंगी इनसाइड द पेनिस, और पेनिस के बाद ये बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। और जो ग्लैंड्स हैं, इनसे जो पूरा सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन कहेंगे सेमिनल प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में ये स्पर्म मिला दिए जाएंगे तो उसे कह देंगे सीमेन। तो सीमेन जो होता है वो प्लाज्मा, और जो सेमिनल प्लाज्मा है, जो एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन है और स्पर्म का मिला हुआ जो पूरा कंटेंट है, उसे हम कह देते हैं सीमेन। और ये सीमेन जो है इसको पेनिस के थ्रू हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट करा देते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इजेकुलेशन। उसे हम इजेकुलेशन कहते हैं कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट करा रहे हैं, उसको बाहर रिलीज कर रहे हैं स्पर्म्स को या सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, उसे कहते हैं इनसेमिनेशन। तो यहाँ पे हेडिंग्स क्या रखिएगा, कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, इनसेमिनेशन आ जाएगा वो टर्म, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों को सबसे पहले स्पर्म के बारे में पढ़ना होगा, हमें उसके हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना होगा, हमें टेस्टिसेस के बारे में पढ़ना होगा कि टेस्टिसेस कैसे होते हैं, टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। ये डिटेल वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिए देते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपका पेनिस आ गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे जो इंक्लूड होते हैं वो क्या क्या चीजें हैं, तो वन पेयर ओवरी है, वन पेयर ओवरी है, एक पेयर ही ओविडक्ट है, ओविडक्ट है जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कह रहे हैं, एक यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं जिसमें हमारा नाम आता है मेमोरी ग्लैंड, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यहां पे भी आएगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर हो रहा है? तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ स्ट्रक्चर्स हैं आपको जो दिख रहे हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, एक पेयर ओवरी है, फिर ओवरी के बाद फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब ही ओविडक्ट है, फेलोपियन ट्यूब ही ओविडक्ट है, फेलोपियन ट्यूब ये वन पेयर ही है। आप देखिए ओवरी है, ये ओवरी से इधर उधर फेलोपियन ट्यूब है, और फेलोपियन ट्यूब से ये आता है यूट्रस में, यूट्रस से जाता है सर्विक्स, और सर्विक्स से फिर ये वेजाइना की तरफ जा रहा है। वेजाइना बाहर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में खुल रही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेमोरी ग्लैंड्स भी होंगी, जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ये आपकी मेमोरी ग्लैंड्स हैं। क्लियर हो रहा है? अब बात करते हैं, तो ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी। जैसा कि अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस बताया गया, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी बताया जा रहा है। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो ये भी दो फंक्शन करेगा, यानी एक गैमेट बनाएगा और दूसरा ये बनाएगा हॉर्मोन्स। तो गैमेट जो बनाता है उसे कहते हैं ओवा, जो फीमेल गैमेट होता है उसे कहते हैं ओवा, और जो हॉर्मोन होते हैं यहां पे ईस्ट्रोजन, स्पेलिंग देख लीजिएगा कहीं पे ई से शुरू हो रही कहीं ओ से शुरू होती, दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, दोनों ही सही है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन,
क्लियर हो रहा है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन बनाएगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे जब पार्चुरेशन की टाइम की बात हो रही होगी, यानी कि जब बर्थ हो रही होगी, पार्चुरेशन का मतलब होता है बर्थिंग, बर्थ होना, तो बर्थ के टाइम पे ये रिलैक्सिंग हार्मोन बनाता है। तो रिलैक्सिंग हार्मोन भी यहां से निकलता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ निकलता है। हम इसलिए इसकी ज्यादा जनरल बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दो बात करते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब आपको पता चल गई, यूट्रस में इम्प्लांटेशन। अब बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। तो गैमीट्स आपको पता चल गया है कि गैमीट्स क्या होते हैं। मेल गैमीट अभी हमने बात करी, स्पर्म होता है, और फीमेल गैमीट हमने ओवा की बात करी। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए बायो में ये वर्ड याद रखिएगा, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, एंड ओजेनेसिस, ओजेनेसिस मतलब ओवा का फॉर्मेशन। तो स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। दोनों को हम मिला के कंबाइंड कह सकते हैं गैमेटोजेनेसिस। यही पे एक पॉइंट क्लियर करने वाला है। स्पर्म का फॉर्मेशन तो मेल्स में टेस्टिस में हो रहा है आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वो पीरियड है जहां पे, जहां से शुरू होगा आपका रिप्रोडक्टिव फेज। तो वो पीरियड जहां से मेल्स और फीमेल्स रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाएंगे, यानी हॉर्मोन्स और गैमीट्स बनाने लगेंगे, वो पीरियड कहलाएगा प्यूबर्टी पीरियड, यानी कि वहां से शुरुआत हो रही है। मेल्स में ये लगभग 12 से 13 साल में आता है, फीमेल्स में ये लगभग 12 से 15 साल के बीच में रहता है प्यूबर्टी पीरियड। प्यूबर्टी पीरियड में फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है अभी हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस की, मेन पॉइंट की। स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होता है, जबकि ओजेनेसिस फीमेल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही हो जाता है, यानी जब एक बच्ची अपनी माँ के पेट में है, यानी कि जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा, जब वो एम्ब्रियो की फॉर्म में होगी, तभी उसकी ओवरी के अंदर ओवा का भी फॉर्मेशन हो रहा होगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं ओजेनेसिस। लेकिन ये मैच्योर जब होंगे, ये पूरी तरह से ओवा का फॉर्मेशन तो हो जाता है, लेकिन फुल्ली फॉर्म्ड ओवा यानी कि पूरे मैच्योर ओवा प्यूबर्टी के बाद ही शुरू होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक मैच्योर ओवा आप अल्टरनेटली एक एक ओवरी से रिलीज होता रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अभी हम इसकी बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल में आपको ये एक मेजर डिफरेंस समझ में आया कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये प्यूबर्टी के बाद होता है, और ये बिफोर बर्थ ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स में। ये एक मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि अगर बात करी जाए ये कैसे होता है गैमेटोजेनेसिस, तो देखिए एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पूरा, इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे अलग डिटेल वीडियोस में, लेकिन हम आपको इसके जनरल स्टडीज कराए दे रहे हैं ताकि आपको वो वीडियो समझ में आ जाएं, उनके ओवरव्यू समझ में आ जाए। गैमेटोजेनेसिस के लिए सबसे पहले हमारे पास होगी गैमीट मदर सेल, गैमीट मदर सेल। देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो हमने प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, हमने एनिमल में भी यानी ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन क्यों होता है? गैमीट्स जो होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी एन होते हैं। एन का मतलब है इनमें क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स मेल से मिलेंगे और 23 ही क्रोमोसोम फीमेल से मिलेंगे, यानी स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम होंगे, पेयर नहीं सिर्फ 23, और ओवा में 23 ही क्रोमोसोम होंगे। तो और फिर ये गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो जब गैमेट्स मिलेंगे तो 23 मेल के और 23 फीमेल के जब क्रोमोसोम मिल जाएंगे तो 46 दोबारा से जाएंगे। इसलिए हम लोगों को गैमेट्स बनाना पड़ते हैं ताकि इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर
मेंटेन रहे इनकी प्रोजेनी में, यानी कि जो पेरेंट्स हैं और उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उन दोनों के बीच में, जो गैमिट्स के अंदर, जो उन दोनों की सेल्स के बीच में क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहे, यानी पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग की सेल्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को पजेस करें, इस वजह से गैमेटोजेनेसिस होती है। अब गैमेटोजेनेसिस का मेन एक लेआउट क्या है, गैमीट मदर सेल होती है जो कि डिप्लॉयड होती है, 2N होती है। मेल में इसे स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल्स में इसे ऊगोनियम बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम और ऊगोनियम बोलते हैं। इसके बाद ये प्राइमरी या तो स्पर्मेटोसाइट या ओसाइट बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी ओसाइट। देखिए इसको हम एक साथ पढ़ा रहे हैं दोनों को, गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका एक ओवरव्यू दे रहे हैं। यानी गैमीट मदर सेल में माइटोसिस होगी और माइटोसिस के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या प्राइमरी ओसाइट्स, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, अगर ओजेनेसिस हो रही होगी तो प्राइमरी ओसाइट बनेगी। लेकिन माइटोसिस हो रही है, इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वल डिवीजन है, इसलिए ये भी 2N ही होंगे, यानी डिप्लॉइड ही होंगे नंबर में। लेकिन अब यहीं पे डिफरेंस आ जाता है मेल और फीमेल का। तो अगर मेल होगा यानी स्पर्म बनना है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगी, मियोसिस फर्स्ट होगी और बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये कितने होंगे, 2 होंगे, नंबर में 2 होंगे। लेकिन अगर ओसाइट है तो इसमें मियोसिस होगी और बनेगा एक पोलर बॉडी और दूसरा यहां पे जो बनेगा वो होगा सेकेंडरी ओसाइट। क्लियर हो रहा है? तो जरा समझिएगा, यहां पे बस यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, आप जरा समझते रहिएगा। एक गैमेट मदर सेल से 2 स्पर्मेटोसाइट बने और यहां एक सेकेंडरी ओसाइट और एक पोलर बॉडी बना। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद अब इसमें मियोसिस सेकेंड होगी और ये बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स, और जब इसमें मियोसिस सेकेंड होगी, देखिए पोलर बॉडी छोटी होती और सेकेंडरी ओसाइट बड़ा होता है, तो अगर पोलर बॉडी भी होगी तो इसमें भी 2 पोलर बॉडी और बन जाएंगी मियोसिस सेकेंड के बाद, और इसमें सेकेंडरी ओसाइट के बाद फिर ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो बनेगी इसकी पोलर बॉडी, एक क्या बनेगी, फिर से बनेगी पोलर बॉडी, और दूसरा सेकेंडरी ओसाइट बना देगा ओवा। क्लियर हो रहा है? तो यहां स्पर्मेटिड्स बन गए। अब ये स्पर्मेटिड्स जो हैं, इनमें ये गोल होती हैं सेल्स, इसमें मॉडिफिकेशन होगा और बन जाएंगे ये स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड्स बिकम्स स्पर्मेटोजोआ आफ्टर मॉर्फोजेनेसिस, यानी इनके जो साइज और शेप में बस चेंजेस आएंगे, बाकी कुछ भी इसमें चेंज नहीं आएगा। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। ये प्रोसेस हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर हो रहा है? तो ये आपने चीज देखी कि एक गैमीट मदर सेल से, एक गैमीट मदर सेल से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी ओसाइट बनता है, यहां तक दोनों में सेम रहता है। लेकिन अगर स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, मैं अल्टरनेटली आपको दिखाई दे रहा हूं, एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूरा बता देता हूं, उसके बाद ओजेनेसिस के बारे में पूरा बता देता हूं, ठीक है? तो यहां पर दोनों को समराइज कर दिया है, फिर से देख लेंगे हम लोग, लेकिन यहां पर समझिएगा। एक बार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अब अगर स्पर्म बनाना है और प्राइमरी ओसाइट से ओवा बनाना है, तो स्पर्म बनाने के लिए मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीजन। तो यहां पे क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हो जाएंगे, देखिए ये 2 है, ये नंबर में 2 है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसको पूरा लिखे दे रहे हैं, सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट और यहां सेकेंडरी ओसाइट। देखिए प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन इसमें मियोसिस फर्स्ट हो रही है, मियोसिस फर्स्ट आपको पता है रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कि यहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, यानी सिर्फ एन बचेगा, टू एन की बजाय एन हो जाएगा। और ये मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी यहां पे भी क्रोमोसोम के नंबर 23 ही रहेंगे, यानी ये एक गैमेट मदर सेल से दो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, फिर उसके बाद दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकेंड हुई तो चार स्पर्मेटिड्स बने और चार स्पर्मेटिड्स मॉडिफाई हो गए स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना कहलाया स्पर्मियोजेनेसिस। कोई दिक्कत नहीं। आप जरा देखते हैं प्राइमरी ओसाइट को, प्राइमरी ओसाइट को फोकस कर रहे हैं। तो प्राइमरी ओसाइट से जब मियोसिस फर्स्ट हुई तो ये दो पार्ट पर डिवाइड हुआ, एक हुआ पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट। ये भी हैप्लॉइड होगी, याद रखिएगा, ये भी हैप्लॉइड होगी, सेकेंडरी ओसाइट बनेगा। आपको यहां कहीं ना कहीं आपको इसकी इमेजेस दिख रही होंगी, जो एनसीईआरटी की इमेजेस है वो आपको दिख रही होंगी यहां पे स्क्रीन के ऊपर। तो आप जरा देखिएगा कि सेकेंडरी ओसाइट जो है, ये सेकेंडरी ओसाइट अब आगे मियोसिस सेकेंड करेगा। क्या उसी कौन से डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड के बाद ये फर्दर पोलर बॉडी और ओवा में जाएगा। पोलर बॉडी छोटी है, इसका मतलब ओवा एक ओवा बन रहा है। जरा गौर से देखिएगा, यहां चार स्पर्मेटोजोआ बन रहा है नंबर में 4, और यहां एक ओवा बन रहा है। जरा गौर से देखिए, एक गैमेट मदर सेल से एक ओवा बनता है, जबकि एक गैमेट मदर सेल से चार स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। क्लियर हो रहा है? गैमेट मदर सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बनना, ये एक फेज हो गई, इसके बाद यहां से यहां तक दूसरी फेज हो गई, और फिर ये तीसरी फेज हो गई। तो ग्रोथ फेज आती है, सबसे पहले आ गई ये मल्टीप्लीकेशन फेज, फिर ये ग्रोथ फेज, और फिर ये आपकी मॉडिफिकेशन फेज आ गई। लेकिन हम इनके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे जब हम गैमेटोजेनेसिस की बात पूरी करेंगे। हालांकि हमने गैमेटोजेनेसिस को अपनी जो वीडियोज हैं उनमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही गैमेटोजेनेसिस को भी हमने कर दिया है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड कर दी है, और ओजेनेसिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही इंक्लूड कर दी है। एक बार फिर से समझ ले रहे हैं इसके गैमेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन को। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन, और गैमेट्स क्यों बन रहे हैं नंबर को आधा करने के लिए। सबसे पहले गैमेट मदर सेल जो होगी वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या प्राइमरी ओसाइट बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, या प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनेगा। देखिए हम इसको अलग अलग ना बता के एक साथ ही बताया जा रहा है। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगी और स्पर्मेटिड्स बनेंगे, जबकि यहां पे ओसाइट में जो सेकेंडरी ओसाइट है उसमें मियोसिस सेकेंड होगी और ओवा बनेगा। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर सेल होती है स्पर्मेटोजोआ। तो ये मॉडिफिकेशन आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा समझाया गया, वहां समझ लीजिएगा, लेकिन यहां पे सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना स्पर्मियोजेनेसिस बताया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, जबकि प्राइमरी ओसाइट से सिर्फ एक ओवा ही बनेगा। तो यहां पे टोटल अगर ये वाली पोलर बॉडी पे डिवाइड हो जाएगी तो यहां पे दो पोलर बॉडी और बनेगी, तो टोटल तीन पोलर बॉडी बन सकती है मैक्सिमम। अब बात करते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की। फीमेल्स में हर 28th डे के ऊपर एक ब्लीडिंग होती है। फीमेल्स में हर 28th डे पे आफ्टर प्यूबर्टी एक फेज आती है, ब्लीडिंग फेज, जहां पे ये ब्लीडिंग होती है, यूट्रस की लाइनिंग्स जो है वो शेड होती है। उस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, यानी ब्लीडिंग और वीपिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ये लगभग 3 से 5 दिन का एक पीरियड होता है फीमेल्स में, ये 3 से 5 दिन का एक पीरियड होता है जिसमें कि यूट्रस की इनर लाइनिंग शेड होती है, और जो गैमीट है अनफर्टिलाइज्ड गैमीट रिलीज होता है। तो ये सारी चीजें एक साथ बाहर निकलेंगी, उसे कह देंगे मेंस्ट्रुएशन। इसके बाद धीरे धीरे यूट्रस की इनर लाइनिंग जो है वो मेंटेन होना शुरू करेगी, और मेंटेन होते 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 फिर से ये डेवलप कर जाएगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुल 4 फेजेस होती हैं। जो 4 फेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं जरा समझिएगा। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन फेज होती है,
या ब्लीडिंग फेज आ जाती है, इसको हम ब्लीडिंग फेज कह सकते हैं, ब्लीडिंग फेज। उसके बाद दूसरी फेज आती है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। उसके बाद ल्यूटियल फेज, सॉरी ल्यूटियल के से पहले ओव्यूलेटरी फेज, और फिर ल्यूटियल फेज। तो फीमेल्स में ये एक रिदम चलता है और ये अलग अलग फेजेस साइक्लिक, हर 28 डे पे ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करती हैं और इस पूरे साइकिल को कह देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फर्टिलाइजेशन। देखिए ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था इसमें ब्लीडिंग फेज जो थी ये 3 से 5 दिन की होती है, उसके बाद फिर 10 दिन की लगभग फॉलिकुलर फेज होती है, ओव्यूलेटरी फेज सिर्फ और सिर्फ 14th डे पे ओवा रिलीज होता है ओवरी से, तो ये ओव्यूलेटरी फेज कहलाती है। उसके बाद जो कुछ भी अंदर बचा रह जाता है तो उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये ल्यूटियल फेज होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक अलग वीडियो है, आप वहां पे देख सकते हैं पूरी चीजें जो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो ये ब्लीडिंग फेज, जबकि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत सारा डिटेल यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बताया हुआ है, तो आप चाहिएगा तो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लीजिएगा या मेंस्ट्रुअल साइकिल की अलग वीडियो देख लीजिएगा, मेरे पास ये दोनों ही चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज, ये फेजेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और ये हर फीमेल्स में लगभग लगभग हर 28-29 डे पे ये होता रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब शुरुआत होती है तो उसको कहते हैं मेनार्क। तो जहां से मतलब प्यूबर्टी की जब स्टेज शुरुआत होती है, तो प्यूबर्टी में जब ये ब्लीडिंग शुरू होती है यानी जिस टाइम से ये शुरू होती है, तो वो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है मेनार्क, और जब ये ब्लीडिंग खत्म हो जाती है तो वो कहलाता है मेनोपॉज। ठीक है, और यही इसका एक पूरा सिस्टम होता है, यानी रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है फीमेल की, यानी फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है वो मेंस्ट्रुअल की शुरुआत से लेके मेंस्ट्रुएशन जहां जब से शुरुआत होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यानी मेनार्क से और मेनोपॉज तक। मेनोपॉज लगभग 45 टू अबव हो जाता है, कुछ फीमेल्स में ये 50 तक जाता है, लेकिन 45 के अबव ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना बंद हो जाता है, यानी ओवा का रिलीज होना बंद हो जाता है। हर 28th डे के जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, 28th का डे का जो साइकिल है, उसके हर 14th डे के ऊपर ओवा रिलीज होता है अल्टरनेटली फ्रॉम वन ओवरी टू अनदर ओवरी। यानी एक बार अगर 28th डे में फर्स्ट 28th डे में अगर एक ओवरी से निकला है तो अल्टरनेटली दूसरी ओवरी से अगले 28th डे पे निकलेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मेल स्पर्म्स इंसर्ट करते हैं और ओवा इसके फेलोपियन ट्यूब में आ रहा होता है, तो एम्पुलरी स्टमिक रीजन अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी और एम्पुला रीजन अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला रीजन में। फिर फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में ये मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा, इसे कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये कहां पे होता है? इट इज द साइट इन फेलोपियन ट्यूब, दैट इज द एम्पुलर रीजन। क्लियर? इम्प्लांटेशन की बात करें तो फर्टिलाइज्ड ओवा जो होता है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में इम्प्लांट होता है, यानी अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा इन द यूट्रस लाइनिंग इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस की लाइनिंग में और वहां पे ये कनेक्शन बनाएगा यूट्रस के साथ में डेवलपिंग जाइगोट, एक कनेक्शन बनाएगा, इस कनेक्शन को कह देंगे हम प्लेसेंटा, और यहीं से ये अपना न्यूट्रिशन लेगा, यानी बेबी जो है वो मदर से अपना न्यूट्रिशन इस प्लेसेंटा के थ्रू लेगा। इम्प्लांटेशन में हम लोग इतनी चीजें पढ़ते हैं। इसके बाद आती है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में हम लोग प्लेसेंटा के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि साहब यहाँ पे जो प्लेसेंटा है इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलेंगे, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, क्योंकि ये कोरियोनिक विलाई होती हैं और ये इस तरीके का प्लेसेंटा कहता है कोरियोनिक प्लेसेंटा। तो कहते हैं कि इसमें कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, LH, FSH,
कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में निकलना, क्योंकि यहां से ये अपने हॉर्मोन्स रिलीज करने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इस तरीके के हॉर्मोन भी ये आगे चल के रिलीज करता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो जाइगोट बना है यानी मेल फीमेल गैमेट्स मिलने के बाद जो अब ये स्ट्रक्चर बना है इसे कह देंगे जाइगोट। ये जाइगोट डेवलप करेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, इसमें तेजी से डिविजन्स होंगे जिन्हें कह देंगे क्लीवेज। इन तेजी से डिविजन्स जो होंगे इनको क्या कह देंगे, क्लीवेज कह देंगे। जाइगोट के अंदर होने वाले माइटोटिक डिविजन्स क्लीवेज कहलाते हैं। और क्लीवेज के बाद जो स्टेज आएगी, तो जो क्लीवेज के बाद स्टेज आती है उसे कह देते हैं हम मोरुला। इसके बाद जो जाइगोट के बाद अगली स्टेज आएगी लगभग 8 to 16 सेल की स्टेज, उसे कह देंगे मोरुला। और मोरुला से में ही अंदर जो 8 to 16 सेल है, इसके बाद जब 100 तक की ये सेल्स हो जाएंगी तो ये रीअरेंज होंगी अपनी सेल्स, और रीअरेंज होके ये इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसमें आउटर मोस्ट सेल्स होंगी और कुछ बाकी सेल्स इनर अटैच रहेंगी। यहां पे जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं उन्हें कह देंगे ट्रोफोब्लास्ट, और इनर सेल्स को कह देंगे इनर सेल मास। इनर सेल मास, तो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास ये हो गया, और अंदर एक कैविटी है और ये कैविटी कहलाएगी ब्लास्टोसील। इस स्टेज को कह देंगे ब्लास्टोसिस्ट, और यहीं पे इम्प्लांटेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही इम्प्लांटेशन होगा, और फिर ये डेवलप करते 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 एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर ले लेगा जिसमें एक्टोडर्म इनर सेल मास है। ये इनर सेल मास डिफरेंशिएट होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, ये एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टो मीजो और एंडोडर्म में ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। एक्टोडर्म से कुछ नए टाइप के ऑर्गन्स मिलेंगे, मीजोडर्म से कुछ अलग टाइप के ऑर्गन्स मिलेंगे, और एंडोडर्म से कुछ अलग टाइप के ऑर्गन्स मिलेंगे। इस तरीके से ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है और ऑर्गन्स बन जाते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स। इसके बाद जो डेवलप्ड जो फीटस बन गया है जिसमें एक्टोमीजो एंडोडर्म अलग अलग इन्होंने ऑर्गन्स बना लिया, ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का काम है पूरा। तो जब पूरा फीटस बन गया, ये डेवलप फीटस जो हमारी मदर है उसके वोम्ब यानी यूट्रस में ये कुछ कॉन्ट्रैक्शंस देगा, वो कॉन्ट्रैक्टिव मूवमेंट्स हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड को पहुंचेंगे, और वहां से एक हार्मोन निकलेगा जिसे कहेंगे ऑक्सीटोसिन। और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो हमारे फीटस को बाहर की तरफ इजेक्ट कराएगा जिसको कहेंगे पार्चुरेशन, यानी डेवलप फीटस को यूट्रस से बाहर निकालना कहला रहा है पार्चुरेशन, यानी बर्थ हो जाना पार्चुरेशन है। इसके बाद जो मेमोरी ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था मेमोरी ग्लैंड होती है, इस मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके प्लेसेंटा से ही निकल रहा होता है, और वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो हैं या कहीं और से भी निकलते हैं तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो लैक्टेशन कराता है, मिल्क का जो सिक्रीशन है, जो फर्स्ट मिल्क निकलता है उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। इसमें एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए टाइप की एंटीबॉडी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए टाइप की एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट मिल्क जो होता है मदर का ये बेबी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है, यानी इम्यूनिटी आप बाहर से लेते हो, मदर से ले लेते हो। यानी जो डेवलपिंग फीटस है वो अब फीटस जो बाहर बर्थ हो गया, आप जो बेबी है वो इस जो मिल्क को फर्स्ट मिल्क यानी कोलेस्ट्रॉल को जो पिएगा उससे उसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलेंगी और वो इम्यूनिटी को गेन कर लेगा। तो ये हमारा एक पूरा एक ओवरव्यू था जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी। इससे रिलेटेड सभी डिटेल वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर कोई भी डाउट होता है आपको इसमें तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। कोई भी परेशानी होती है तो कॉमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, आराम से आप आइए और कॉमेंट्स में लिखिए अपने डाउट्स, और मैं आपके 24/7 आंसर देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।